जब उद्धव जी स्तब्ध हो बात श्रीमती राधिका जी के भाव को सुन रहे हैं और श्रीमती राधिका उद्धव जी के भाव को समझकर मंत्र के बहाने उसका अत्यंत तिरस्कार कर दोनों का तिरस्कार मधुपति और उनके दूध दोनों जितना तिरस्कार करने पर भी और उपदेश वाक्य देने पर क्या तिरस्कार तुम हमारे पैरों को मत छुओ तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ और तरह तरह के तिरस्कार करेंगे कृष्ण का भी दो सुदर्शन देखेंगे उस समय वो निवृत्त नहीं हुआ और लौट करके गया भी नहीं तो निवृत्त हुआ न लौटा बल्कि श्रीमती राधिका के चरण कमलों के पास में और जोर जोर से दुगने स्वर से झंकार करने लग गए और उनके अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आप वृथा क्यों मान कर रहे आप जैसा कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है और कृष्ण का वो गुणगान कर रहे हैं जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है कृष्ण यद्यपि मधुपुरी गए तो वहाँ की वनिताएँ चतुर्पुर की रमणिया बड़ी कभी पड़ता है वो कृष्ण से क्या प्रेम कर रहे हैं और कृष्ण भी सब समय तुम्हारा ध्यान पर मधुपुरी में लाखों करोड़ों युवतियाँ हैं बात ठीक है एक से एक सुंदर हैं किंतु ब्रज जैसे नहीं और ब्रज में लाखों कन्या हैं एक एक से सुंदर हैं लक्ष्मी भी इनके सौंदर्य माधुर्य के बीच के सामने पराजित हो जाती है और वो तरस तरह से भाव भंगिमा के द्वारा कृष्ण को आकर्षण करना चाहते हैं मंत्र कह रहा है कि तुम्हारे प्रभु ऐसे नहीं
वो किसी के लिए आप ही की चिंता करते हैं, इसलिए नहीं तो मुझे क्यों मानने को आपको मनाने के लिए भेजते, इसलिए आप प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से वो मानव क्षमता करता हूँ। ये सब उद्धव जी के मन में ये भावनाएं उठ रही हैं और राधिका जी भ्रमण के बहाने वो भाव के अंदर में ये भावना है, मानो ये भी वो कह रहा है उनका कृष्ण का भी। तो वो कहने लगी उनका मान और भी अधिक बढ़ गया, कुछ खुदनसीब हो गई, उनको इतना हमने मनाया उन पर तुम वह धृष्ट सच लंपट व्यक्ति का गुणगान कर रहा है, तुम्हारे कहने पर भी नहीं मानता, कोई तुम्हारे लिए स्थान दूसरा नहीं है, इसलिए वहां पर जाकर के बोला हमारे शाम में मत करो, तुम दुख है उस सच की भुक्त की गुणगान मत करो हमारे शाम न पुराना, हम लोग जानते हैं उसको बहुत बचपन से, हम लोग उसको जानती हैं, हमारे लिए नूतन नहीं है पुरातन, कैसा उसे बहुत बार हमने देखा बचपन से देखा है, बहुत निकट से देखा है, उसे हमने समझा है, वो हमारे लिए वो पुरातन है, तुम्हारे लिए न्याय हो सकता है किंतु हमारे लिए पुरातन है। मधुरा यदि तुम कहो कि हम ये सब कुछ नहीं जानते हैं, जाति के स्वभाव से गुणगान करना ही हमारा स्वभाव है और इसमें हम दोष नहीं देखते, वो क्या कहती तुम गुणगान करो इसमें हमारा कोई भी दोष नहीं देखते, किंतु यहाँ क्यों यहाँ मतलब उसका गुणगान तुम दूसरी जगह हमारे यहाँ मत करो, मैं हम लोग यहाँ अपने दुख से मर रही हूँ इसलिए मर रही हूँ, ऐसे मर रही है कि तुम्हें कुछ भिक्षा देने के लिए सूखा भूजा हुआ चना भी हमारे पास में नहीं है, क्यों नहीं है, अरे जिसके कपट प्रेम से हम आज सर्वहारा होकर सर्वहारा में सब कुछ घर बार सब कुछ हम लोग छूट गया हमारा, जिनके लिए हर त्याग पर वनवासिनी हो गई है बंद रहती है, सिर को छिपाने के लिए कोई जगह नहीं है जिसके बारे और जिसके लिए हम लोगों का नाम दुर्नाम हो रहा है, आज उसी व्यक्ति के लिए हम लोग अनागरिक हो रहे हैं, हमें त्याग कर दिया, उसने हमें त्याग कर दिया, अनादर कर दिया हमें और वो हमारी उपेक्षा करके आज चला गया हमें छोड़ कर। हाँ एक दिन था क्या कपट क्या है वो गाय सुतम जदुना अधिपति अग्रहण अग्रत न पुराण पुराण, तो उनके लिए हम लोग सब कुछ छूट गया है बनचारी नहीं है, आज उसी के द्वारा तेजी अनाश्रित और उपेक्षित हम हो गए। हाँ एक दिन था जब हम उसके प्रेम को जो कपटी भूत है हम नहीं समझते, उस दिन पुराणम अर्णम है ना सुख आनंद को देने वाला उसको अर्ण कहते हैं, निर्वृत्ति निर्वृत्ति नहीं निर्वृत्ति, तो उसी कपट प्रेम के द्वारा हम भी सब कुछ भूल गई थी, नहीं समझ सकती उसके कुटिल व्यवहार को, जो अंतर में भी कुटिल है काला है और बाहर और भीतर सर्वत्र काला है, हम उस समय नहीं पूछ सकते पुराण
पूरा एवं प्रणम पहले प्रणम प्रणम में यवृत्ति का आचरण जिस समय वो ब्रज में था हराश जैसा किंतु वो कपटी और भूत है उस समय हम लोग नहीं समझते क्यों उस समय हमारी बुद्धि भी भ्रमित हो गई क्यों भ्रमित हो गई थी पाए युक्त्वा हमको पिला करके हमें हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था इसलिए नहीं समझ सकी अब तो केवल पूरा एवं विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर जी शब्द का अर्थ कर रहे हैं पूरा ही एवं ऋणम सुखम तद एवं ब्रजस्य सुख रूपम अधुना तो केवलम कर सकती आज तो वो पी सका इसलिए अब वो सुखदायक नहीं रह करके अब दुख में हमें विरक्त में ताप से हमें सप्त में जला रहा है पूरा नाम फिर उसका अर्थ बता रहे हैं किंतु आज केवल मात्र अणम तो है नहीं उपकर्षण है हराय समझ में बदला है पूरा एव अणम यह तो ठीक है ना पुराण अणम सुखम प्रवृत्ति बाज अब उसमें केवलम अवकर्षति अब केवल कर्षति ओ अणम हटा दो अब ये कर्षणम हो गया ना अब केवल हमको दुख देने वाला है पीसने वाला है कर्षण माने पीसन कृष्ण धातु माने जैसे हल से जोत देते हैं शुद्ध कर देते हैं ऐसे हमें दुख देकर के परित्यक्त करता है किंतु आज केवल मात्र हम लोगों को कर्षण पीड़ा ही केवल अवशिष्ट है पीड़ा का दुख देकर के कृष्ण शब्द कृष्ण धातु का कर्षण है ना और ई अड़म अड़म तो चला गया खत्म अब केवल कर्षण है अर्थात वो सुख उसमें नहीं रहा अब जो दुख देना ही उसमें बाकी है ये कृष्ण शब्द का अर्थ कर रहे हैं उससे सही प्रेम का संबंध सुख लाभ आनंद पहले था और वो किस लिए था क्योंकि अंदर में काला था जबकि वो उत्तम श्लोक के द्वारा लक्ष्मी को भी ठग सकता है तो हमारी जैसी स्त्रियों के लिए तो बात ही क्या है इसलिए अब पुराणम में से अब वो अड़ा नहीं है आनंद पाचक नहीं है केवल अब प्रसन्न करने वाला हृदय को ताप दे माना दर्द करने वाला इसलिए कपटी कृष्ण का यहाँ पर गुणगान मत करो जैसे केवल और तुम्हारे लिए गौरव प्रतीक हैं दिन रात तुम्हारी चिंता करते हैं लाखों ब्रज में स्त्रियां हैं वो उनसे तरह तरह से उनको भावभंगी के द्वारा अपने तरफ में आकर्षण करना चाहती हैं किंतु कृष्ण तेरे लिए एक मात्र तुम्हारे लिए चिंता करते हैं इसलिए जाए उनका गुणगान मत करो और कहती हैं षटपदम है ना कि बहुत षडांगे उसके लिए कहें देख षडांगे छ पद वाला है तुम चतुष्पद हो चतुष्पद एक होता है वो जानवर होता है और उससे श्रेष्ठ द्विपद मनुष्य है इसलिए मनुष्य की बुद्धि है चतुष्पद की बुद्धि कम है और तू है षडस्पद सब पद वाला षडांगी तो तुम कैसा स अर्थ पशु पशु का है पशु से भी बदता अर्थात मूर्ख कोई चीज समझता नहीं कहां पर कैसे बातचीत करना चाहिए ये तुम्हें ज्ञान नहीं है इसलिए तुम स अर्थ पशु है कहां ज्ञान करना चाहिए और कहां किस प्रकार से काम करना चाहिए क्या काम करना चाहिए तुम बुद्धि न होने के कारण तुम इसलिए हम तुम्हारे पशु है पशु पर हम क्या क्रोध करें इसलिए हम तुम्हारे ऊपर में क्रोध नहीं करते हे षडांगी पशु तावत चतुष्पाद त्वं तु षट्पद स अर्थ पशु कुत्र किं वा गातुं उचितं
इति बुद्धि अभाव न जानासि पशु सार्थ पशु। तो कहते हैं किंतु तो पशु पातुम पशु पाठ पशु है, इसलिए तुम्हें वयम न पुष्यामा, हम तुम्हारे ऊपर में हम क्या क्रोध करें, तुम पशु तो तुम पशु का स्वभाव रखेगा इसलिए नहीं। तब कहाँ जाने से तुम्हारा ये स्वार्थ तो सिद्धि होगी, इसके लिए उपदेश हम कर रहे हैं। सुनो विजय सब सखी ना विजय सब सखी, एक बात बात करो, ध्यान करना तो तुम्हारे जाति का स्वभाव है, तू तो करेगा। तो तुम ऐसा करो विजय सब सखी ना, विजय सब किसको कहते हैं, विजय नाम अर्जुन का नाम, विजय सब, तो विजय सब का अर्जुन के सब है। अतः सखी नाम अधुना मथुरापुरी, मथुरापुरी की जो तुम्हारी जो सखियाँ हैं वो कौन जादव पत्नियाँ हैं, उनके निकट जाकर के कुल कीर्तन करो, जास्ते ये कृष्ण पहले क्या थे, सुबल सखा बारिरा, ये सुबल के सखा पहले कराते थे ब्रज में, और सुबल का सफत को छोड़ करके अब मथुरापुरी में, और फिर जैसे अर्जुन के सखा, तो लोग कहीं पूछेंगे जैसे अभी तो अर्जुन से उनका संबंध नहीं हुआ था, तो भावनेत्र से देख रही मैं, कोई गलती बात नहीं। और हो सकता है कि माती ने बताया, और कृष्ण विजेता का एक और बात विशेष, सर्वत्र जो विजयी कृष्ण हैं असुरों से भी और सब जगह, वही सखा हुए हैं, वही सखा है। क्या उनका पुरुष समाज या क्या समाज, तब कथामृतम कथा एवं अमृतम, कथा एवं तब कथा अमृतम, अब यहाँ पर तो कथा ही अमृत है, इसलिए विजय ही सफल सफा है। यहाँ पर अर्जुन का कुछ मतलब सर्वत्र जिनकी विजय होती है ऐसे ही ये सखाएं, उनकी जो सखियां हैं अर्थात जादव गुरु वाली जो रमणियां हैं, ये विजय विजय माने कृष्ण ही वो विजय सख है। क्या द्वंद समास सुनाई या क्या समास होता है मुझे याद नहीं, जो जो समास होता है। तो जो सख हो करके कोई कोई स्थान में और सर्वत्र ही उस सखियों के प्रेम में आबद्ध होते हैं, ये से वही विजय सख, और कृष्ण के अभिनात्म जो समस्त सखियां जो यहाँ की है जादव सखियां मथुरा वासिनी रमणियां, उनके निकट में जाकर उनका गुणगान करो, सही कपटी कृष्ण के कपट पूर्ण समूह का दान करो, कृष्ण उन शक्तियों के मथुरा पूर्वासी रमणियों के क्षति तो पूजा रूप जाते, उनके हृदय का जो रोग है हृदय रोग उनका दूर किए हैं, इसे ये सब गुणगान तुम करेगी तो बड़ी प्रसन्न होकर के बहुत जो कुछ चाहेगा वही मन माना तुमको देंगे, इच्छित बन देंगे। यदि कोई किसी का कष्ट दूर करता है तो वह व्यक्ति जिसका कष्ट दूर हो जाता है वो बहुत उल्लसित हो जाता है, उस समय उसे कुछ मानो तो वो बहुत। तो हम तो सर्वस्व हारे हुए हैं, घर भी नहीं है कुछ भी नहीं है, उनके द्वारा त्यज्य हैं अनादरित हैं और उनके द्वारा ठगी हुई हैं, तो हम क्या दें, वहाँ जाओ वहाँ उनके सामने करेगा तो तुमको बहुत कुछ मिलेगा, उनका वंदना करना।
उनको बहुत कुछ दान करेंगी, जो कुछ तुम मांगेगा वो मांगा वो तुमको देंगी। इसलिए उनके निकट जाओ, हमारा उपदेश तुम मानो। वहां जाकर हम लोगों के दुर्वासा की बात वर्णन करना कि हम कैसी दुर्वासा में, वहां पर ये वर्णन करना कि देखो मथुरा की युवतियां, वो उनका प्रेम सुंदर नहीं है, वो तुम्हारी जैसी सुंदरी नहीं है, वो कृष्ण के मनोरंजन नहीं कर सकती, इसलिए कृष्ण छोड़ करके अब तुम्हारे पास आए हैं, तुम बड़ी रूपवती गुणवती हो, इस तरह से कहा ना। ये कृष्ण ने उनको तुम्हारे लिए छोड़ दिया और ये आए रहे हैं, इसे और भी प्रसन्न होंगी, इसलिए हम हमारी दुर्वस्था का वर्णन कर रहे हैं। और कृष्ण के कपट भुक्त पूर्ण जो गुण हैं, बड़े मधुर हैं, बड़े कृपालु हैं इत्यादि जो गुण, उनके जो कपट हुए हैं उनका तुम वर्णन करना, ऐसा होने से कृष्ण से तुम खत्म। मथुरा की वासनियां अपने को सौभाग्यवती समझकर और मनोमानित मनोवांछित और जो कुछ तुम चाहेगा वही तुमको दान देने में समर्थ हैं, एक नहीं लाखों हैं। और एक मानवी होती जाएगी अब फिर कृष्ण उसको प्रसन्न करेंगे और वो फिर दूसरी ऐसे तीसरी चौथी हजारों तुम्हारा जन्म उसी में कट जाएगा। यहाँ पर हम लोग कृष्ण के वियोग में तड़प रही हैं और कष्ट पा रही हैं, देख रहे हो अब हमने उनकी सत्यता अब हमने पूजा है। पहले हमने कल्पयन्ति इष्टमिष्टा, अब हमने उनकी धूर्तता को समझा है, इसलिए तुम्हारा यहाँ हम लोगों का गुण कीर्तन और उनका गुण कीर्तन करना तुम्हारा शोभा नहीं पाता। तुमको इतनी भी समझने की बुद्धि नहीं रह गई, जो वक्ता श्रोता के इच्छानुसार में कथा नहीं बोल सकता, नहीं समझता कि कैसे इनका स्तर है और क्या मुझे बोलना चाहिए, तो ऐसा वक्ता यदि कुछ बोलेगा तो वहाँ के कुछ सभा सुनने वाले हैं उनको वहाँ से उठा करके भगा देंगे, तो तुम्हारा उनको तो बात कर नहीं रहा। इसलिए कह रही हैं कि तुमको श्रोता के अनुसार ही ज्ञान करना चाहिए, अन्यथा गायक का कोई आदर नहीं, कोई पाठ कर रहा है और श्रोताओं के भावों को नहीं समझता और उनके अनुसार भी नहीं करता, तो जहाँ पर साधारण आदमी है वहाँ पर वेदांत का और एकदम सिद्धांत कहने लगे तो उसको पसंद नहीं कर, इसलिए श्रोताओं के अनुरूप वक्ता को होना चाहिए। तो यहाँ पर हम तुम्हारी श्रोता के अनुकूल हम श्रोता नहीं है, इसे यदि गान करना है तो कोई दूसरा गान यदि है तो गान करो, कृष्ण संबंधी गान ना करो, क्या जगत में कृष्ण के अतिरिक्त तो और कोई ऐसा गान नहीं है जगत के तुम गा सकते हो, तुम और दूसरा कुछ गान भी नहीं जानते, तुमको और भी कुछ गाने हैं, तुम यहाँ से अन्यत्र गमन करो। यदि गान ही करना है तुम नहीं जानते दूसरा गान तो दूसरी जगह जाओ, वो तुम मथुरा वासी स्त्रियों के निकट पर इस श्लोक में ये बीजल है, चित्र जल का ये बीजल तृतीय भेद यहाँ पर परिव्यक्त हुआ है। उसका लक्षण यह है भीतर में गूढ़मान, बाहर में सुस्पष्ट असूया, असूया मैंने क्या इसका और कृष्ण के प्रति उपहासात्मक कटाक्ष, समस्त ऐसा कोई लाइन नहीं है जिसमें कृष्ण के प्रति कटाक्ष नहीं किया गया है।
ऐसे को विजल को कहते हैं। इसी श्लोक में छपित कुज रुज अर्थात जिनके हृदयों को कृष्ण ने शांत किया है, इसके द्वारा क्या हुआ? श्रीमती राधिका का गूढ़ मान है नहीं कुछ, कभी भाव नेत्र से देख रहे तीनों बहुत गाय। इसके द्वारा राधा जी की असूया भाव, इस श्लोक में प्रत्येक वाक्य में ही कृष्ण के प्रति तीव्र उपहासात्मक कटाक्ष, इसलिए बीजल का सब कुछ लक्षण इसके अंदर में धरा पड़ा है। Have you understood something? संक्षेप में कुछ बोलो। After you will speak something, after that, उमा करो और मां महाराज। हवा नहीं आ रही? छुट्टा लग रहा है। Shrimati Radharani, she is speaking she is neglecting Krishna as well as the Brahma Madhukar. All the bad qualities of Krishna and speaking to the bumblebee. Even though bumblebee heard all the discussion of Srimati Radhika, but then also he was staying there, he didn't left that place. Instead of going from that place, he started humming in the double voice, making sound more than he was doing before. Srimati Radhika, she said that the bumblebee says that, oh Srimati Radhika, you are speaking about Krishna, that he is busy nowadays with the ladies of Mathura, but no, all the wives of Yadus, they are chaste wives, and in that way it's not possible for Krishna to make them fool. Then he says that in Braj there are thousand and thousand of Braj gopis, and everyone is more beautiful than one another. Even Lakshmi, she also feels that she is defeated. Then the bumblebee says that if you think like this, please don't think. Why? Because Shri Krishna, he himself is sending me to Mathura. Then Srimati Uddhava at that time महाराज ने आज्ञा दी है कि भक्ति दशा में, श्री भक्ति दशा में सिंधु में
विल्लमुल्लो जी को साधन भक्त कहा गया है। तो इसका क्या कारण है, इस विषय पर प्रकाश जालंकर कहा है कि विल्लमुल्लो ठाकुर जिन्होंने ब्रज में आते समय रास्ते में ही कृष्ण गणामृत को लिखा, गोपाल जी स्वयं उनके हाथ पकड़ करके ले आए, वृंदावन आकर के उन्होंने राघव माधव का दर्शन किया। इस प्रकार के जो सिद्ध परिकर ऐसे भक्त सिद्ध भक्त पर इस प्रकार के जिन्होंने राधा कृष्ण का दर्शन किया है कि राधा कृष्ण का दर्शन तो भाव के पश्चात में प्रेम सिद्ध नहीं होता है, तब उनको साधक भक्त कहा जा रहा है कि वो कौन से साधक हैं। वहां पर वर्णन होता है कि भाव के साधक हैं। और जितने प्रकार के साधक भक्त हैं सभी का मेन पॉइंट होता है कि भाव सिद्धि, इसके बाद में बस भाव सिद्धि तक ही समाप्ति हो जाता है, इसके बाद में साधन नहीं हो पाता है, सिद्ध क्षेत्र में पहुंचते हैं। कि श्रद्धा से लेकर के साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव, जितने प्रकार के साधक सबको भाव सिद्धि करनी होगी, कोई वैकुंठ में जाए चाहे कोई गोलोक वृंदावन में जाए, सबके लिए भाव की सिद्धि जरूरत है। अच्छा, ये तो साधारण रूप से भाव की सिद्धि दिखाई गई। जो ब्रजभाव के साधक है, ब्रजभाव जो कि मधुर रस के उपासक है और राधा जी के भाव के प्रति जिनका लक्ष्य है, तो उस भाव के किंचित मात्र आस्वादन प्राप्त करने के लिए राधा जी का जो भाव है, जैसे अनुराग के पश्चात भाव आया है और भाव के पश्चात महाभाव आता है, तो अनुराग के पश्चात वाला जो भाव है उस भाव के साधन होने के कारण विल्लमुल्लो ठाकुर को साधन भक्त कहा। तो भाव के साधन थे ना प्रेम के, तो ये तो प्रेम के पश्चात में चला गया ना, प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव, क्या उस भाव के लक्ष्य, उस भाव के साधन है। और साधारण रूप से जितने भी साधन है यहाँ पर भाव से दिन है, भाव साधक क्या है। अब इसको हमारे इसको और भी कुछ स्पष्ट बोलो। सिंधु में साधक कहा गया है, श्री महाराज ने बताया अगर साधक कहा गया तो क्यों कहा गया और किस प्रकार के साधक हैं। जैसे हम लोग श्री महाराज से सुन चुके हैं कि जब हम भाव को लक्ष्य करके इंद्रिय के द्वारा जपपूर्वक साधन करते हैं कि ये भाव प्राप्ति हो, तब उनको साधन भक्ति कहा गया है। ऐसे ही प्रेम को पाने के लिए जब हम कोई भक्त साधन करते हैं तब उनको भाव या प्रेम, जैसे साधन भक्ति प्रेम को प्राप्त करने के लिए भाव प्रेम को लक्ष्य किया, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है प्रेम प्राप्ति करना। उस प्रेम को पाने के लिए हम जो उपाय अवलंबन करते हैं उस समय साधक को भाव साधक कहा जाता है। पहले तो साधन भक्ति के लिए उनको साधक कहा गया, ऐसे इस समय प्रेम भक्ति के लिए उनको प्रेम साधक कहा जाता है। जब तक ये भावावस्था में है, क्योंकि भावावस्था के सिवाय कोई भगवान दर्शन जब तक उनको किसी को नहीं मिलता है, विल्लमुल्लो तो भावावस्था प्राप्त कर चुके थे, इसलिए उनको स्वयं पहले बार कृष्ण दूसरे राधा कृष्ण आकर के दर्शन दिया, उनको चरण स्पर्श करने की भी सुयोग मिला। अभी प्रेम में जो परिपक्व अवस्था है, अभी प्रेम के परिपक्व अवस्था उनको प्राप्ति नहीं हुई थी, इसलिए विल्लमुल्लो ठाकुर को ब्रज सिंधु में साधक कहा गया है। क्योंकि हम देखते हैं राजसेना में भी जब गोपी कुछ कसा था, तब तक ये साधन सिद्ध गोपियां थी, वो अपने पतियों के द्वारा
अवरुद्ध हो गई थी। ऐसे ही बिल्वामणि ठाकुर के इस अवस्था में कुछ कसा है कि जब कसा दूर हो जाएगा तो वो परिकल्पना में गण्य होगा, इसलिए अभी भी ये उनका जो कुछ कसा है इसलिए उनको सदर कहा गया है। लौकिक इंद्रियों से पार्थिक इंद्रियों से भक्ति को लक्ष्य करके अपराधिक भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का जो साधन हो गया है उसको साधन भक्ति करते। और जब उसके अंदर काफी हद तक दूर हो गए हैं और वो आसक्ति के बाद में आव दशा में आ रहा है या आ गया है, आव दशा में जो साधक भजन करता है उस समय उसका कीर्तन उसका स्मरण उनका श्रवण उसको भाव भक्ति कहेंगे, वो साधन नहीं कहा जाएगा, वो का कहा जाएगा उस समय भाव ही कहा जाएगा। ये भाव के अनुभाव है, श्रवण कीर्तन स्मरण ये भाव ही भाव का ही ये कहा जाए, साधन भक्ति का नहीं कहा जाए। उसमें जो कुछ उनका होगा और उस समय में उनकी स्थिति ऐसी होती है कृष्ण साक्षात की जो क्या माने क्या कभी कभी दर्शन करता है, कैसे करता है वो समझता की स्मृति हुई किंतु कृष्ण की साक्षात करने की जरूरत है कभी कभी हो जाता है। कैसे भाव अवस्था में जबकि जिसके प्रति उसका लोभ है जिस आध्यात्मिक भक्त के ऊपर है उनके भावों के प्रति लोभ है उनका चिंतन करते करते और कृष्ण का चिंतन करते करते भावाविष्ट हो जाने पर कभी कभी उसकी स्फूर्ति में और कभी कभी नेत्रों में भी कानों में भी उनका कभी कभी साक्षात्कार हो जाता है, कभी कभी हो जाता है किंतु सब समय नहीं होता। किस लिए नहीं होता? कुछ अपराध का कुछ अभी भाव आभास है, कुछ कसा ऐसा है अनेक तो प्रेम होता है, कभी प्रेम की लाभ प्रेम की उपलब्धि भी नहीं हुई है किंतु प्रेम का आभास जो भाव है इसमें प्रेमी जो कुछ होता है वो साधन में उसी शक्ति चिंता करता है। भाव भक्त क्या करेगा वृंदावन की कथाओं को सुनकर के उसी में एकदम तन में आविष्ट हो जाता है, जैसे श्री मंगल जी आविष्ट होकर के कृष्ण गुरु का गान करते हैं अपने कृष्ण करना में भावाविष्ट होकर के उन्होंने किया। इस समय में उनको कृष्ण का दर्शन उनके परिकरों का दर्शन संभव है किंतु वह स्थायी नहीं रहता, स्थायी क्यों नहीं रहता उसी के लिए प्रेम क्यों नहीं हो रहा है कुछ अभी है अनर्थ का बंध कुछ है अनर्थ तो नहीं किंतु अनर्थ का बंध नहीं तो फिर प्रेम ही हो जाता शरीर छूट जाता। उसका चिंतन करते हैं यहाँ तक कि गोपियों के या सखाओं के वो पार्षद रस के जो अंतिम भाव हैं उनका चिंतन तो कर रहे हैं स्मरण कर रहे हैं किंतु वो अभी उसमें भी आ नहीं गया। उद्धव गए ब्रज में गोपियों को देखा किंतु ब्रज का कोई भी भाव उनके अंदर में आया आविष्ट हुए किसी भाव में आविष्ट नहीं आधार नहीं किंतु इनका भी आधार है क्यों आधार है आधार
क्योंकि साधन भजन से वो कर रहे हैं, चल रहे हैं, भावावस्था में पहुंचे हैं, इसलिए उनको कष्ट होने का भी कष्ट की अनुभूति नहीं है। क्यों? आंख टूट गई, किंतु उसको कष्ट की अनुभूति है नहीं, कष्ट आ रहे हैं, किंतु जब प्रेमावस्था हो जाता तो क्या होता, कष्ट हो रहा है। इसलिए ये सब पूर्व विचार, इन विचारों को रख करके साधक भक्त भाव भक्त आगे बढ़े और ऐसा ही साधक बढ़े। उसका और कृष्ण का हाँ उस समय उनको तात्म हो जाता है, किंतु स्थिर नहीं होता। स्थिर होना तो मैंने प्रेम की बात, इसलिए इन भावों को समझ करके, इतना नहीं कहीं बताया किंतु ऐसा समझ करके हम लोगों को ऐसा ही चिंतन भावना आवेश होना चाहिए। आवेश नहीं होने से कुछ भी नहीं, आवेश कैसे होगा और वही आवेश कैसे अधिक से अधिक समय तक स्थायी रहेगा, इसका नाम है साधन भजन। तो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्तिशेन गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय जयकराधये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो यं प्राप्तं तमन्तैतमपेतकृत्यं दैपायिनो कात्रयाजुहौ पुत्रेति तन्मैतया तर्वोऽग्निजो तं सर्वभूतैर्वयं तवैवास्मि जादू पत्नियों के हृदय में तनिक भी कोई ऐसी बात है
जो कृष्ण के प्रति वो ऐसा भाव रखती हैं और कृष्ण भी उनके प्रति ऐसा भाव रखते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सब समय दिन रात स्मरण करते हैं और वे उनसे मिलने के लिए परम विफल हो जाते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए हमें मिल जाते उन्हीं को प्रसन्न करने दिन रात उनके अतिरिक्त राधा के अतिरिक्त और किसी की चिंता नहीं। उद्धव इज हियरिंग दे मास्टर आपूर्ति सरकास्टिक वर्ड्स ऑफ श्रीमती राधा एंड थिंकिंग दैट कृष्ण इज योर पार्टनर या इज नथिंग टू डू विथ यादव वाइफ ऑफ दि यादव दे आर हाई क्लास ऑफ पति प्रता एंड कृष्ण आल्सो ही हैज नथिंग टू ही डज नॉट लव ही हैज नो टाइम एंड ऑलवेज ही इज इमर्स्ड इन थिंकिंग राधा सो व्हाई शी इज डूइंग सो सो इट इज नॉट प्रॉपर टू टेल अबाउट कृष्ण। इसलिए वो कह रहे हैं ओ मातुर स्मयी एवं वोचत त्वाम अनुस्मृत्य अनंत विप्लव तान प्रसाद तो इन मया उपदेश के उपदिष्टवान। पतंजलि जी से ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा उनको कृष्ण तो उन्हीं के गिरा के व्याकुल होकर के व्यतीत हो रहे हैं। उद्धव के मन में ऐसी भावना आने पर श्रीमती राधिका जी ने देखा कि भ्रमण हमारे पैरों के चारों तरफ नहीं गुंजन कर रहा है, अर्थात वो कह रहा है यदि मान्य भी ऐसा कह रहा है तो भाव करणों से सुन करके उसको उसका उत्तर देने लगे। राधा जी और क्रुद्ध हो गए और क्रुद्ध होकर के करेंगे समझ यदि कृष्ण हम लोगों के लिए अनंत पीड़ा में कातर होकर के ही तुझे प्रसन्न करने के लिए तुमको यदि यहाँ पर भेजा है तो मैं कहता हूँ ये ऐसा नहीं गलत तुम कह रहे हैं। मथुरापुरी में रमणियों का कोई भी अभाव नहीं है, बड़ी बड़ी सुंदर रमणियाँ हैं और कृष्ण यदि चाहे तो ऐसी कौन सी विश्व में देवी भूमि च रसायन देवलोक में रसातल लोक में नाग कन्यागण नाग पत्नीगण और इन मथुरावासी रमणियों की तो बात ही क्या, ऐसी कौन सी नारी है जिसको कृष्ण इच्छा करें और वशीभूत न करने, ऐसी कोई नहीं है। अपने माधुर्य के द्वारा अपने मधुर वचनों के द्वारा प्रेम प्रकट करके उनको ऐसी बात कहेंगे जो ऐसी कोई नहीं है जो वशीभूत में देवता लक्ष्मी तक की भूति भूति वयन का भूति माने लक्ष्मी विभूतियों की मालिक वो भी हम लोगों की तो बात क्या, हम तो कैसी कमार वो कन्याएं हैं क्योंकि स्वर्ग में पृथ्वी और पाताल में जो सब रमणियां सुंदर से सुंदर हैं उनके बीच ऐसी कौन सी रमणी है जो कृष्ण के लिए दुष्ट प्राप्त हैं। स्वर्ग में देवियां पाताल में नाग कन्या और उनकी पत्नियां वे अपने सभी पतियों को छोड़ करके लक्ष्मी भी अपने पति नारायण को त्याग करके कृष्ण से मिलन की आकांक्षा रखती है। नाग पत्नियों के विषय में सुनाई है अपने पति को छोड़ करके कृष्ण की आराधना करती थी नाग पत्नियां यज्ञ पत्नियां और नाग कन्या वो भक्ति के द्वारा उनको वशीभूत करती है तो कृष्ण की इच्छा के वशीभूत होकर के उनके निकट आगमन करके सेवा नहीं कर सकती ऐसी कौन है
कृष्ण मथुरा वासी रमणियों की तो बात ही क्या, उनके लिए कृष्ण को कुछ फल नहीं देना पड़ता। फल मैंने क्या, जैसे हम विवाह करते हैं तो पत्नी के लिए देना पड़ता है ना कुछ, ऐसे ही हो जाता है दहेज या कुछ भी, कृष्ण को कुछ नहीं देना पड़ता। यदि कोई पति विवाह करने जाए तो पत्नी के लिए कहना रुपया इत्यादि कपड़े सुंदर ये सब ले जाएगा ना, और पति क्या करना पड़ता है जैसे हम इसकी रक्षा करेंगे। कृष्ण के लिए ये फल करने के लिए प्रतिज्ञा करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण का मधुर कपट युक्त हास्य है, भीतर में एक बाहर में एक कर्म, ऊपर से जो हंसना मुस्कुराना है ये भी कपट कपट कृष्ण का है। अत्यंत सुंदर बदन कमल और टेढ़ी त्रिपिटियों पर चलाना, ये कटाक्ष देकर के कौन सी ऐसी रमणी है जो उनके प्रति आसक्त और वशीभूत नहीं हो जाए। हम भी तो हम इससे परिचित हैं, हम भी बड़ा सरल बुद्धि की थी, और इस प्रकार से उनका मुस्कुराना प्रणय की भीख मांगना ये सब दे करते उनकी वशीभूत हो गई। अब में हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग मतलब आ गया है तो खा गई, हम हमारे माथा को तो उन्होंने ही खाया, इसी तरह से माथा खाना नहीं था हमारा सर्वनाश, ईश्वर पुरुषकुल लोग अपर लोग दोनों ही हमारे से पथभ्रष्ट कर दिया। परम सुंदर मुख कमल, यहाँ तक लंबी लंबी आंखें, दीर्घ आंखें, हृदय मनोकाशी हास्य और उनका त्रिलोक मनोहारी सुमधुर वंशी ध्वनि मधुर वाक्यालाप नवीन किशोर मूर्ति नटवर वेश, इसी को तो देख करके हम लोग भी उनके हाथों में बिक गई, बिना मोल के बिक गई। और हम लोगों ने क्या किया इस पर अपने को मैं बिक गई हम लोग, और सब कुछ बोल करके माता पिता गुरुजन लोग अलज्जा गुरुजनों का भय सब कुछ छोड़ करके हम उनकी हो गए। ओ अब हम उनकी कपटता छल पूर्ण भीतर में एक बाहर में एक अब हम समझी है। उनका नयन खूब विलास युक्त नयन कटाक्ष और बदन कमल को देकर के त्रिजगत इस सभी रमणियां हम उसके अंदर नती स्वीकार करेंगी, ऐसी कोई योजना नहीं करेंगी, और उनके बसी खुद होकर के उनकी भजना नहीं करेगी, ऐसा किसी को हम लोग नहीं देखते। स्वर्ग की देवियां तो दूर रहे, नारायण के पक्ष में विलास करने वाली पतिपता श्रोमणी स्वयं लक्ष्मी देवी को भी ये कृष्ण का माधुर्य उसे खेल चलाती है। और भी तो बात किया चैतन्य चैतामृत में भी कहा गया ब्रह्मांड आदि पर व्योम कहाँ के स्वरूप गण दास बार बोले परे मोम जबरदस्ती खेल चलाते हैं। पति प्रता शिरोमणि जाए कहे वेद मान आकर्ष से ही लक्ष्मी, वेदों में भी जिनकी प्रशंसा करें की गई है ऐसे लक्ष्मियों को भी पति प्रता शिरोमणि अरुंधति इत्यादि की भी आराध्या देवी लक्ष्मी देवी जी को भी वो और बेलपन में आज भी तपस्या कर रही हैं किंतु उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ताते लक्ष्मी एक से ही रमा नारायण प्रियतमा पति प्रता गणेश उपास्या कि हो जे माधुर्य लाभे छाड़ी सब काम को गए रथ करी बलिदान उन्होंने पता चल किंतु अभी तक भी अध्याय भी पाया है कि नहीं पाया है इसकी कोई गारंटी नहीं। पिक्ष अलका व्रतम मुखम तपकुंडल स्त्री गंडा फल धर्म सुखम खसितावलोकम तत्ता पर्यंत दंड युगम विलोक्य पक्ष श्रेय कर्मणंच भवामि दास्य कास्मिन् ते फलदायक वेणुवीतः
सम्मोदिता के चरितान चले न त्रैलोक्यम त्रैलोक सौभगम च निवृत्त रूपम तदगोपिंगा गोपिया भी ऐसे कह रहे हैं स्त्रियों हम स्त्रियों की तो बात क्या विशेष कर प्रति स्त्रियों की बात क्या तुम्हारे कुंडल वैसे सुशोभित कंडस्थल अधर सुधा हास्य दृष्टि अलकावृत पदन कमल अभय बाहुगल लक्ष्मी जी के एकमात्र रति जनक पदस्थल को दर्शन करके और तुम्हारा बंशी बालन ये सब देख करके ऐसी कौन सी स्त्री है जो मुग्ध न हो जाए। यहाँ तक कि पक्षी भी अपना धर्म छोड़ देते हैं, मृग भी अपना धर्म छोड़ देते हैं, सभी लोग उनको देख करके नदी भी पाती है वो सभी अपना अपना धर्म छोड़ देते हैं। हम लोगों ने धर्म छोड़ा तो ये क्या छोड़ा, इसलिए तुम्हारे इस प्रेम की माधुर्य से गाधी गो तुम बीजा जिसका दो बार जन्म हुआ पक्षी मृग गाभी यमुना नदी सब अपने धर्मों को तिलांजलि देते हैं। चर अचर हो जाता है और अचर चल वृक्ष भी झुक जाते हैं कुछ फल लोगों से होकर के फल को लेकर के कृष्ण के चरण में ये अचल है। पर्वत द्रवित हो जाते हैं, मोर इत्यादि पक्षीगण बोलना एकदम भूल जाते हैं। इस तरह से कृष्ण जी की पद्मचान पाती आते हमके एकदम चेतावन और इसलिए भ्रमण ऐसी कोई भी नहीं है रमणी जो कृष्ण के ऊपर में मुक्त ना हो जाए अपने को बिक न दे। अब तो तुम समझ रहे हो वो कृष्ण का रूप माधुर्य और उनका कैतव भरा और तो मैंने वंचना बोलो वंचना करने वाले कृष्ण ऐसे मुख में भीतर में एक और बाहर में बीच कैसे जैसे कनक के घट में बीज भरा पड़ा और ऊपर से दूध ऊपर से ऊपर में तर रहा और भीतर में क्या है और खड़ा किसका है पढ़ाई सुधर कृष्ण का ये और भीतर में भी कपट का और बाहर में क्या है देखने में बड़ा सुकोमल सब कुछ। तो कहते हैं कि ऐसे कृष्ण का माधुर्य ही ऐसा है जो सब लोगों को नहीं चलाता है बस आकर्षण कर लेते ऐसा अशुभ असम जिसके समान और कोई नहीं है। माधुर्य की खानी माधुर्य की खड़ी खड़ी मैंने हाँ और श्यामल मूर्ति कृष्ण की जो दर्शन करता है सभी लोग मुग्ध हो जाते हैं। शेर ऊपर एक कौन दुबाए सब त्रिगुण सारे त्रिगुण को डुबा देता है सब प्राणी पर आकर्षण समस्त प्राणियों को आकर्षण कर देता है। ऐसा कि कृष्ण को भी अपने सौंदर्य को देख करके लोभ हो जाता है वो सौंदर्य माधुर्य को देखने के लिए रूप खानी देखी अपना कृष्ण है चमत्कार आस्वादित मन उठे का इसलिए चैतन्य महापुरुष के रूप में आए। अरे मूर्ख बंधुगण और तुमको कितनी बात बदलाऊं अब रहने दो वो सब इतना नहीं तुम तो समझेगा नहीं तुम्हारे प्रभु का मैं एक नाम है उत्तम श्लोक उत्तम श्लोक उत्तम श्लोक अभिचक्रपण सबके उत्तम श्लोक शब्द चरण उपास्य अभिचक्रपण पक्षे उत्तम तुम्हारे प्रभु का कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक किसको कहते हैं उत्तम श्लोक कहते हैं जो लोग दिनों पर दया करते सबसे जिसको हो जिसका पढ़ा है उसके ऊपर भी जो दया करते उनको कहते हैं उत्तम श्लोक। जिनके अंदर में दया भरी पड़ी है किंतु हमारे क्षेत्र में यह नाम व्यर्थ है दया नाम की चीज उनके अंदर में निष्ठ होता है ऊपर से दया का भाव तो जरूर है
देखती हैं क्या उनके समान दुख देने वाला निष्ठुर कपटी भूत लंपट चोर कोई भी नहीं है। उनका कार्य और उनकी बातचीत सभी कपटता में, उनका बार भीतर सब कुछ कपट है। ऐसा कौन कह सकता है कृष्ण को? विश्व में तो ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा कृष्ण को कह सके। इनको तो समस्त भगवत्ता की चरम सार है, भगवत्ता की चरम सीमा है। ऐश्वर्य और माधुर्य के खाने में वो भी उसकी अंतिम सीमा तक है। ऐसे कृष्ण जिनके एक कटाक्ष पात से ही कोटि कोटि विश्व ब्रह्मांड का लय हो जाता है, सृष्टि हो जाती है, ऐसे लोग ईश्वरों के भी ईश्वर के परमेश्वर हैं। और इस कृष्ण को ऐसी बुलाना कटाक्ष गाली गलौज दे तो यशोदा मैया भी नहीं कर सकती, नंद बाबा करेंगे, सदा लोग भी नहीं कर सकते, कौन करेगा? ब्रह्मा जी तो स्तुति करेंगे वेद के स्तरों से। और कृष्ण इन गालियों को सुनने के लिए भ्रमर बन करके उनके समीप में आए हुए हैं। ऐसे ये गोपियां हैं, उनका दिनबंधु नाम भी कपट था। हम लोगों जैसा दिन कौन होगा? हर बात छोड़ करके बेखर हो करके पन में दौड़ रही हैं, घर भी नहीं जा सकते, जिसको हमारे पतियों ने घर वालों ने सबने चुप करा दिया इन्हीं के कारण, और दुखी हैं। हमारे जैसे दिनजन आज उनके निकट उपेक्षित है, अवज्ञात है, अवज्ञा किए हुए हैं। ये चक्रवर्ती ठाकुर जी के विचार हैं। किंतु किंच उत्तम श्लोक शब्द, उत्तम श्लोक शब्द किसको कहते हैं? कृपण पक्षे एव संतप्त दीन दीन जना जो दयाते, उसको कहते हैं उत्तम श्लोक। सही उत्तम श्लोक जो दीन दीन संतप्त दुखी जीवों के ऊपर में दया से दया करते हैं वह है। इसी श्लोक में कृष्ण को कटाक्ष कर रहे हैं और देवकुल इत्यादि बातों से स्वर मर्द रसातल इत्यादि में इनकी मायापुर के द्वारा वशी को तौर करके वहाँ की नगरियाँ कृष्ण के प्रति वशी को जोड़े, ये कुमुखता का लक्षण है। अत्र पूर्वार्थे दीप पूरी इत्यादि कुहकता आख्यान कुहकता चरण उपास्ते, इस श्लोक में तृतीय चरण में के पास से लक्ष्मी तक भी उनकी पाद सेवा करते हैं, तो और लोगों की तो बात क्या। इसके द्वारा श्रीमती राधिका जी का गर्वपूर्ण ईर्ष्या प्रकटित है। चरण रज उपास इसमें ईर्ष्या कपिच कृपण पक्ष है, इस कथा के द्वारा तथा वयम का और हम लोगों की तो बात क्या, इस वाक्य के द्वारा असूयापूर्ण आक्षेप, असूयापूर्ण माने जो जिसमें नहीं है उसमें उसकी आरोप करके, गुणों में दोषों का आरोप करना असूया कहलाता है। गुणों में दोषों का आरोप करना कृष्ण में ये सब गुण है और दोषों गुणों को भी दोष बदला रहे हैं, इसलिए श्लोको चित्र जल में उज्जल इसको कहा गया है। इस तरह से श्रीमती राधिका जी अपने भावों को प्रकट करते हैं। आई थिंक दैट दे विल एक्सप्लेन आफ्टर माय क्लास, बट यू शुड नो दैट श्रीमती राधिका जी और गिविंग सो मच दैट नेम टू कृष्ण एंड विद कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है ईश्वर ईश्वर सर्वेश्वर एंड इवन श्रीमती राधिका इज अमेजिंग हिम सो मच।
माता यशोदा आनंद बाबा एनी सखा इनकार्नेटेड कृष्ण लाइफ एंड कृष्ण हैज कम हियर इन अ फॉर्म ऑफ ऑटोमोबाइल टू हियर ऑल दीज थिंग्स एंड वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी टू हियर ऑल सो देयर इज One thing, ऐसी जो भक्ति है ये तो है उत्तमा भक्ति उत्तमा भक्ति अभी तो राधिका जी ने और कृष्ण के परिकरों में हम लोग दिखा रहे हैं इस चीज को इसी उत्तमा भक्ति का यदि कोई साधन करता है अपने प्राथमिक इंद्रियों के द्वारा तब उसको साधन करते साधन करते उसका उदाहरण कौन है जो भक्ति का लक्षण यह है कि अपने जितनी भी इंद्रियां हैं मन है वाक्य है यहां तक कि भाव जितने प्रकार के हैं उसमें अन्वय अव्यतिरेक रूप से चेष्टा अनुकूल रूप से चेष्टा इन सब और व्यतिरेक से भक्ति के योगी कार्यों को न करना ये दोनों हैं अनुकूल लेना नैरंतर्य में गुरु वंशों के अनुगत्य में प्रतिकूल भावना रही अन्य विलासिता शून्य कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त हरि गुरु वैष्णव तीनों के इस सेवा के अतिरिक्त और कोई वासना हृदय में न रहे और ज्ञान और कर्म के द्वारा अच्छा भी भक्ति न हो ऐसा कोई उदाहरण है जो अपनी जिंदगी में द्वारा ऐसी जो सेवा कर रहा है ऐसा कोई हमारे भागवत में ऐसा कोई किसी का वर्णन या कर्म का वर्णन है या नहीं कौन है बोलो तो इनके समझ में कैसे है इनको कैसे कहा जाएगा और ये कौन से उनके बात करें उनको और किस प्रकार से ऐसा उन्होंने किया जो ये सारे लक्षण उनमें मिल रहे हैं बताओ अम्बरीश महाराज तुम बोलो अच्छी तरह से समझो ये उत्तम भक्ति है किंतु अपने प्राकृतिक इंद्रियों के द्वारा समस्त इंद्रियों के द्वारा अपना विलास शून्य होकर के कैसे हम बड़ी जी कर रहे हैं इसको समझ करके ऐसा ही भजन करो यदि मंगल चाहते हो एक मंत्र सर्व कृष्ण हरि गुरु वैष्णव देन ट्राई टू बी लाइक अंबरीश महाराज हाउ ही बट Engage with all senses, even mind, tongue, all senses, even mood, be engaged in the service of Hari, Guru and Guru. This to try to follow me. Follow me. Nahi to bhakti kahi nahi hogi. So, अभी अभी सब उदाहरण को उस पर खड़ित करो अभी अभी श्री महाराज ने कहा तो कई समझ करके ऐसा करने की चेष्टा करते हैं क्यों तो क्लियर ये तो नॉन हाउ टू फॉलो उन दोनों ने अभी अभी श्री महाराज ने कहा है कि साधक भक्त एक साधक भक्त जब गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में रहकर सेवा करता है तब उसको भक्ति नहीं आएगी जब वो भक्ति अपने सुख के लिए न होकर भगवत प्रतिविधान के उद्देश्य से गुरु वैष्णव के प्रतिविधान के उद्देश्य से तब वह शुद्ध भक्ति होगी जहाँ पर अपने सुख की कामना रह जाती है अपने सुख की अभिलाषा इसलिए यहाँ पर कहा है कि अंधाधुरा शिकार सुनना ज्ञान कर्मा जना पुत्र कि यहाँ पर अन्य अभिलाषा दूसरी अभिलाषा रह जाती है अपने सुख के लिए ये लोग की पारलौकिक यहाँ पर अपने सुख की अभिलाषा हुई वहाँ पर तो सक
निष्काम हो गया, निष्काम भक्ति नहीं। इसलिए साधक बहुत प्रकार के देखने को मिलते हैं। जब बहुत से लोग सेवा भी करते हैं, परंतु जब निष्काम निस्वार्थ रूप से गुरु वैष्णवों के अनुगत में रहकर भगवत प्रति विधान के उद्देश्य से हो, तब उसको भक्ति मानी जाए। नहीं तो सब कुछ किया जा रहा है अपने स्वरूप के लिए, वहां पर भक्ति नहीं है। अम्बरीश महाराज जी ने अपने सारी भावनाओं के सारे सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाई और उनके प्रति विधान के लिए, तब उनके अंदर में भाव उत्पन्न हुआ कि उत्तम श्रम में जनाब तैयार होती, अन्यथा मनुष्य लोग क्या करते हैं, कुछ दिन तक सेवा करते करते हरि कथा में तो रुचि नहीं है, प्रवेश नहीं होता है और भजन साधन को पकड़ नहीं पाते हैं, कुछ दिनों तक करते हुए फिर निराश होकर के लौट जाते हैं। क्यों? अपने सुख की अभिलाषा पूर्ण मात्रा में। एक साधक भक्त तभी पूर्ण रूप से साधक होगा जबकि अपनी सारी कामनाओं को त्याग कर संपूर्ण रूप से उनके प्रति विधान के उद्देश्य से जब भजन कर रहे हैं, उनकी सेवा उनके प्रति विधान के उद्देश्य से, न कि अपने उद्देश्य से। इस प्रकार साधन भक्त की बात है। अब साधन भक्ति में बहुत प्रकार की स्थिति और बहुत प्रकार के स्थिति का वर्णन हुआ। ऐसे भक्तों को अपने रूप में कोई दोष दिखता है कि नहीं? ऐसे भक्त लोग गुरु में कोई दोष नहीं दिखते हैं। कदाचित कदाचित किसी सिद्धांत पर किसी विषयों पर जब विवाद खड़ा हो जाए तो तब उसे विवाद कर लेता है। क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये अन्यभिया पुराण ज्ञान पर मार्चित हुआ महान पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति, ये क्या हुई? नहीं, कोई विवाद विवाद ही होता है। यहाँ पर कोई बात आ जाए तो उस बात को देखी जाएगी कि हाँ जफान तो सही है क्या, गुरु जी अच्छी तरह से समझ नहीं सके, उनके समझने में भी दूर है। नहीं, वहाँ पर विचार विचार नहीं है, गुरु राज का जादूगर नहीं है, हमेशा ये हाथ बंद करके चलने की बात नहीं है। वहाँ पर विचार तो कर देगा, कोई आदेश है कोई बात कर जो हाथ में जो कहा गया गुरु आज्ञा ही। हाँ, जब क्या नहीं है गुरु विचार, वैसे तो ये तो तनुकूटा हो गया कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। वहाँ पर विचार करके हर स्थिति को विचार करके देखना पड़ेगा। अच्छा, कोई विचार नहीं कर पाएगा तो वो कोई विचार नहीं। तुम्हारी धनी भाषा को विचार शास्त्र में है। हमने गुरु महाराज जी से भी पूछ लिया कि मैंने कहा कि गुरु महाराज जी है बताइए, गुरु महाराज क्या है विचार करके देखो शास्त्र। कोई कोई सेवक यदि विचार करके नहीं दे सकता तो वो दक्षिणा करके आएगा कि हाँ गुरु जी ने बता दिया, हर बात को गुरु जी के नाम पर आरोप कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा विचार ठीक नहीं, कि गुरु जी ने कह दिया उस बात को तो विचार करके देखा नहीं, कि यहाँ बोले कृष्ण सुधार नहीं है, अरे खुद के करके बैठा तो उसको वो नहीं कहा जाए कि यही भक्ति है, ये गुरु आम भक्ति ही नहीं हुआ। हम नहीं मानते, शास्त्र नहीं मानते। अच्छा, आगे बढ़ो, पहले ही गलत। अम्बरीश महाराज सब अपने गुरु वर्गों की बात मान करके चलते, विचारों में जब बातों को जब विचार करके सही करके देखेगा तब कोई गड़बड़ी नहीं है। पहले ही समझ लो जैसे वो ठीक नहीं है तब पर विचार करो तब तक गड़बड़ हो जाए, उसको सही मान करके फिर सोचोगे कैसे सही है, ये बात ठीक है। इसको समझो, पहले उनको सही मान लो और मान करके कैसे सही है इसको विचार करो। लोग में जैसे ना लोग हो गया और उसको कैसे मिलेगा इसको विचार करो, और जो लोग भैया इसमें किसी का कारण नहीं है, कोई विचार नहीं, कृष्ण का ये रूप माधुर्य लीला। गुरु वैष्णव को ये विचार ठीक हैं, ये पहले मान लो।
गुरु जी हमारे प्राण कल्याण है, शंकर जैसा आत्मा है, उनको सही मान करके यदि शत्रु पदाश्रय किया उसी समय में विचार करो, और यदि शत्रु हैं तो उनके विचार सही है, कैसे सही है अब इसको विचार कर शंकर जी ने, शंकर आचार्य शंकर हैं, उन्होंने कहा कि हमारे गुरु मूर्ख हैं, उन्होंने इस विषय का समझ लिया तभी हमारे गुरु, हमारे गुरु जी और हमारी गुरु परंपरा करती है जब निकल जाते हैं जैसे वो गुरु उनका मानना बेटा समस्त इंद्रियों को भगवान के सेवा में नियुक्त किया था, अपने आप में ही गुरु वैष्णव के अनुगत में कभी भी कोई विचार प्रकट हो कैसे ये करना है, सामंजस्य कैसे करना है, तो वो क्या करते थे, ब्राह्मण वैष्णव, जो ब्राह्मण नहीं जो वैष्णव ब्राह्मण उनको बुलाते थे, जैसे हम देखते हैं दुर्वासा के समय ये विषय हम आलोचना कर रहे हैं। तो अम्बरीश महाराज जी सबई मन कृष्ण पदारविंद, अपने मन को भगवान के चरण में अर्पण किया और हाथ के द्वारा करो हरे मंदिर मार्जना विशु, अपने जो राज्य शासन मंत्र के माध्यम से करते थे और स्वयं भगवान की जितने सेवा कार्य है सब अपने इंद्र के द्वारा स्वयं करते थे, नौकर के द्वारा भगवान का सेवा नहीं करवाया, हाथ के द्वारा मंदिर मार्जन, मंदिर में झाड़ू लगाना पोछना ये सब स्वयं करते थे। क्या तात्पर्य श्लोक है? अच्छा दूसरे उत्तम श्लोक कृष्ण है ना, उत्तम श्लोक जन कृष्ण के जो जन है, कृष्ण के जन कौन है, भागवत लोग वैष्णव जो सर्वस्व कृष्ण के लिए अपना अर्पित कर दिया है वो लोग हैं, इसमें प्रधान गुरु हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का भाव अपना पढ़ करके देखना, आज पढ़ रहा था बहुत अच्छा लगा। तो उत्तम श्लोक जना प्रयाग भी उनके प्रति रति ठाकुर कृष्ण के प्रति उनके जो निर्मत्सर और जो उनके प्रति महाभागवत इत्यादि हैं उनके प्रति और गुरु के प्रति तीनों के प्रति भगवती जैसे उनको शामिल थे ठीक वैसे से, इसीलिए इस श्लोक के महत्व क्या श्लोक बोला इससे पहले उनको महाभागवत पता है, महाभागवत शब्द ही उनके लिए, महाभागवत कौन, भागवत कौन है, भागवत से भी पढ़कर के महाभागवत, और उनको बताया है रति, रति माने भाव, वो भाव भक्ति में लगे हुए थे, भाव भक्ति अम्बरीश महाराज ये साधारण भक्ति के नहीं थे, उन्होंने लगाया था इन सबको, किंतु उसने लिखा है महाभागवत और जनाशया रति, यदि खाम के प्रति रति थी इसलिए उनकी राजधानी कहीं और थी, यहाँ पर जलशून्य कौन सा देश था, मध्य प्रदेश जो उज्जैनी इत्यादि का लगता है, और वहाँ पर एकादशी का व्रत भी करते थे जीवन भर, किंतु मथुरा धाम कृष्ण का ये धाम वृंदावन मधुबन अंतर्गत मधुबन में आकर के एक वर्ष तक कृष्ण की भक्ति के लिए ये व्रत क्या करो, एकादशी को व्रत करने में उसके शाम को हुआ एकादशी दिन जल जला और तीसरे दिन एक बार हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर
भी कुछ रखूंगा। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त, जो कोई रुचि प्राप्त ब्राह्मण ऋषि है, जो कुछ कहा देंगे वो हो जाएगा, ये सबको प्राप्त। ऐसे ब्राह्मण के साथ को भी के लिए पर, के लिए। बल्कि भगवान ने उनकी शास्त्र में रखे, उनको कोई ज्ञान नहीं है इस विषय में, कभी भी अपने लिए कभी भी चक्र सुदर्शन से या भगवान से नहीं प्रार्थना की हमें बचाओ, ऐसे ये रति उनको थी। इसलिए राज्य का संचालन कौन करता था? मंत्री परिषद के द्वारा। और जब इत्यादि काम कराते थे अपने देश में वशिष्ठ गौतम और इन लोगों के द्वारा, और उसमें यज्ञ में दान करते थे, अपने नहीं जाते थे, अपने बीच में जाते थे और अपने हाथ से कलशों से स्नान करके उसमें कलश से पानी यमुना का लाना, ठाकुर जी का स्नान, मंदिर धोना, कितना काम प्रतिनिधि के द्वारा नहीं, प्रतिनिधि के द्वारा राज्य संचालन और यज्ञ और स्वयं क्या करते थे 24 घंटा अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा हरि गुरु और वैष्णव की के चरणों में रति रखने वाले। इस तरह से श्रीमद् भागवत ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। एक तरफ उनका धर्म संकट आया, धर्म संकट मैंने क्या, एक तरफ में ऐसे ब्रह्मवादी विभूति युग जो कुछ करते हो जाए ऐसा ब्राह्मण, और भी ब्राह्मणी केवल नहीं ब्रह्मर्षि दुर्वासा साधारण आदमी ने, और उनको बुलाया निमंत्रण किया गया, आपको आज प्रसाद पाना है, केवल 12 मिनट का समय रह गया था, आज गड़ी आके रह गया। और दुर्वासा जी गए स्नान करने और वो ब्रह्म ज्ञान ज्ञान रूप से विलंब नहीं किया, वो अपने ब्रह्म चिंता में ऐसे निमग्न हुए गोटे लगा करके भूल गए। जब उनका समाधि भंग हुई स्नान करके जब तक लौटे तब तक उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि क्या करना चाहिए, देखो हमने उनको निमंत्रण दिया वो आए नहीं, इधर यदि पारण नहीं करते हैं तो हमारी भक्ति के लिए ये बाधा है, भक्ति नष्ट हो जाएगी। इधर ऐसा ब्राह्मण ऐसे धर्म संकट में मुझे क्या करना चाहिए बताओ। बड़े बड़े विद्वान के ब्राह्मण कोई कुछ खोज करके उनको बदला नहीं दे सके। तब उन्होंने अपने आप आचरण देखो, पानी पीना भोजन करना और नहीं करना भी है, तो मैं समझता हूँ आप लोग यदि आते हैं तो मैं थोड़ा सा पानी पी लू, बहुत अच्छा विचार है, इसे पारण करना भी होगा और नहीं करना भी होगा, और ब्राह्मण का सम्मान भी हो जाएगा क्योंकि भगवान ब्राह्मण ने दिया है, उनका सम्मान और भक्ति की रक्षा भी हो जाएगी, इसलिए यही करना होगा। पहले श्लोक में जो बताया गया अपने इंद्रियों को नियुक्त किया था, क्या था इसका मतलब क्या, इस प्रकार से आदमी प्रजाओं का शासन करके कंट्रोल करता है और उसको नियुक्त करता है ये काम पर, उसी प्रकार से अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके नियुक्त किया था, ऐसे नहीं कि क्रोध इत्यादि और जितनी बातें हैं उनके बारे में कंट्रोल करते, ऐसा नहीं, कौन कंट्रोल कर रहा क्रोध को और उन सबको कंट्रोल करके, और अपने मन को सारी इंद्रियों को जो भगवत प्रेरित होती है हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, और कंट्रोल का क्या इसलिए समझो कि वो महाभाग थे और उनको अपने अपने विषयों में नियुक्त करके जैसा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, जैसे कि अपने मंत्री वर्ग को और सबको आदेश दे रखा है और नहीं पालन करेंगे तो उनको शासन करके दंड देंगे, इसी प्रकार शिक्षा इसलिए ये महाभारत और उनके प्रति रति समझो, ये
दर्शन किया। और एक बात और, भगवान ने देखा इसको अपने श्रेय की शुद्ध बुद्धि नहीं है, संपूर्ण रूप से हमको आत्मसमर्पण कर दिया, इसलिए भगवान ने अपने आयु चक्र सुदर्शन को आधे दे रखा। ये अपने शरीर के लिए कुछ नहीं लेकर कौन सबका इसकी रक्षा करना, कौन इसकी रक्षा करना, इसलिए उनका चक्र सुदर्शन भगवान की आदेश से सब समय अलक्षित रूप में रख करके उनकी रक्षा कर सकते, इसलिए ये पांडिर्भिक थे। जब उनका कृत्या दुर्भाषा का मंत्र उनका विशाल रूप धारण करके उनको जलाने के लिए जब आया हाथों तो में तलवार लेकर ये चुपचाप खड़े रहे। क्यों मरना है, आ रही है मरने से बहुत, जब बचे ही नहीं सकते तो क्या करो, आपको प्रभु देते हैं आज समय को किए इन्हें भक्त लोग प्रहलाद महाराज की चर्चा प्रदूष में जनाश्यागत ने प्रहलाद महाराज का नाम दिया विश्वनाथ चतुर्थ, ऐसे लोगों का अनुशीलन करके उनके अनुगत में भजन करते थे ये भी दिया है। तो ऐसे ये खड़े रहे और ये ब्रह्मर्षि जो बातें वो सत्य होता है और वो जहाँ चतुर्सुदासन पीछा किया वो देख रहे हैं कि हमारे पीठ पर ही एकदम लगा हुआ है और बाहर कुछ माता क्यों नहीं है, यदि चाहता तो प्रश्न कर देता कि नहीं तो क्यों नहीं कर रहा, अम्बरीश महाराज के वजह से उनको नहीं मार इस तरह से उन्होंने विचार ब्रह्मज्ञता के लिए ठीक है उसको सम्मान करते हैं इसलिए पानी पी करते हैं उन्होंने किया, भक्ति का निराद रखे इसलिए पारण दोष किया, इसलिए धर्म संकट से ये बचे। तो ये धर्म संकट को ब्राह्मणों ने हल नहीं किया, विशेष इस बार हम कल उसके श्लोकों को एक एक विचारों से लेकर के आप लोगों को अवगत करेंगे कैसे भक्ति में हम लोग देव जी की तरफ में Yeah.